साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है।